बवाल, कर्फ्यू और इंटरनेट ठप, हिंसा में 6 की मौत और 300 से लोग अधिक घायल हो गए। हल्द्वानी के बन भूलपुरा में गुरुवार शाम को अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने देर शाम उपद्रवियों के पैर में गोली मारने के आदेश जारी किए। इस दौरान 6 लोगों की मौत हो गई और प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया। उठ रहा सवाल, कार्रवाई से पहले सर्वे क्यों नहीं? मालिक का बगीचा में बने अवैध मदरसे और धर्म स्थल को तोड़ने के लिए नगर निगम प्रशासन और पुलिस की टीम क्षेत्र में बिना हवाई सर्वे के ही घुस गई। बीते 4 फरवरी के विरोध के बावजूद पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मामले को हल्के में ले लिया। मौकों पर ड्रोन से निगरानी करने वाले पुलिस प्रशासन कार्रवाई से पहले हवाई सर्वे नहीं करवाया। संवेदनशील जगहों पर बढ़ाई गश्त, सवाल के बाद इसको अलर्ट रखा गया है। जिले में आबादी वाले थाने क्षेत्र में संवेदनशील जगहों पर गश्त बढ़ा दी गई। 2 कंपनी PSC को हल्द्वानी भेजा गया और ध्वस्तीकरण वाले नोटिस रोक सुनवाई 14 को मालिक का बगीचा और बगीचा क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण वाले नोटिस पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 14 फरवरी की होगी। मूर्ति पंकज पुरोहित ने मामले की सुनवाई की और दूसरे जिलों से आई पुलिस को नहीं था हालात का अंदाजा। अनभूलपुरा की तंग गोलियों की द्रव्यों खदेड़ने के लिए अंदर घुस रही पुलिस फोर्स उनके ही जाल में फंसती नजर आई। घरों की छतों से पुलिसकर्मियों पर लगातार पथराव होता रहा। बमुश्किल गोलियों से बचते बचाते पुलिसकर्मी किसी तरह मुख्य सड़क पर आ सके। जानकार की मानो तो बनभूलपुरा में भेजी गई पुलिस फोर्स दूसरे जिलों या अन्य थानों से आई थी, जिन्हें इस इलाके का अंदाजा नहीं था। अधिकारियों के आदेश का पालन पूरा करने के लिए फोर्स अंदर तो घुस गए, लेकिन वह चबियों में फंस गई। कारण जान भी संसात में आ गई। उसके बाद वाटर कैनन और हवाई फायरिंग में भी नहीं रुके। बनभूलपुरा क्षेत्र में आग बुझाने पहुंची दमकल विभाग ने वाहन को देखते ही उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। हर इस पुलिस ने वाटर कैनन गन से उपद्रवियों पर की बौछार कर उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर पथराव कम होने की बजाय बढ़ गई। 350 से अधिक बार हुई हवाई फायरिंग। मालिक के बगीचारों और हाउस में फंसने के बाद किसी तरह पुलिस फोर्स यहां से निकलकर मुख्य सड़क पर पहुंच सकी, मगर यहां भी बनभूल थाने को आग के हवाले कर दिया गया था। आग बुझाने पहुंचे दमकल वाहन को भी उपद्रवियों ने आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को तैयार करने के लिए हवाई फायरिंग की। इस दौरान AK-47 SLR और पीछे पुलिस ने करीब सैकड़ों राउंड हवाई फायरिंग की। इसके बाद भी पथराव होने पर पैरों में गोली मारी जाने लगी। जानकारी के अनुसार उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस टीम ने 350 राउंड से अधिक बार फायरिंग की, जिसके बाद मौके से इधर उधर होने लगे। कब क्या हुआ था टाइमिंग आपको बता देते हैं। 3 बजे दोस्तों अतिक्रमण हटाने के लिए बनभूलपुरा थाने के पास टीम जुटने लगी। उसके बाद 4:23 में फोर्स के साथ रवाना हुई। 4:30 में मालिक के बगीचे में पहुंची और 4:40 में लोग अतिक्रमण स्थल पर जुटने लगे, जिसके बाद 4:42 में लोगों ने विरोध शुरू किया। 4:44 में लोगों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेटिंग हटाना शुरू कर दिया। 4:51 में अतुओं ने JCB रोकी। 5:55 पर हंगामा शुरू हुआ और पत्थरबाजी हुई। 5:17 में अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। 5:20 में लोगों ने JCB तोड़ी। 5:24 पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। 5:35 पर द्रव्यों ने वाहन में आग लगाई। 5:54 में पुलिसकर्मी घायल हुए और 6:30 में उपद्रवियों ने 7 बजे घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल भेजा। 7:30 पर CM ने बैठकर उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश दिए। 8:48 पर शहर ने कर्फ्यू का आदेश जारी हुआ। 7:55 पर उधम सिंह नगर से और फोर्स हल्द्वानी पहुंची। बवाल, कर्फ्यू और इंटरनेट ठप की मौत और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में मालिक के बगीचे में अवैध मदरसा और धर्म स्थल बढ़ाने वाले पुलिस और प्रशासन की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। पथराव में सिटी मजिस्ट्रेट रिचा
सिंह रामनगर कोतवाल और समय 300 से और निगर निगम की घायल हो गए। उपद्रवियों ने बनभुलपुरा थाना में भी फूंक दिया। पुलिस की जीप जेसीबी दमकल और गाड़ी समेत कई दिहा वाहन फूंक दिए। आंसू गैस के गोले आगने वाले लाठी चार्ज के बाद भी हालात काबू नहीं आए तो सबसे पहले अधिकारियों ने जान बचाने के लिए मौके से भाग गए। पुलिस नगर निगम टीम जैसे वैसे ही प्रशासन ने उपद्रवियों को देते ही पैर में गोली मारने के आदेश दिए। पिता पुत्र समेत 6 लोगों को गोली मारने से मौत हो गई और शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस ने जीप समेत कई वाहनों में आग लगाई। पुलिस सुरक्षा में नगर निगम की टीम बृहस्पतिवार को शाम करीब 4 बजे मलिक के बगीचे में बने अवैध मदरसे व धर्मस्थल बढ़ाने के लिए पहुंची थी। जेसीबी जैसे अवैध धर्मस्थल को और बड़ी आसपास के लोग भड़क गए और पथराव कर दिया। पुलिस और नगर निगम की टीम तीनों ओर से घिर गई और पथराव के बाद बीच लोगों ने जेसीबी तोड़ दी और पुलिस के जीप समेत कई वाहनों में आग लगा दी गई। पथराव में 150 के करीब पुलिस कर्मी घायल हुए और पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया, लेकिन 6 सो रहे थे पथराव में। बीच पुलिस कर्मियों के लिए मुश्किल हो रही थी, पुलिस अंदर न आ पाए इसके लिए उपद्रवियों ने गोलियों से आगे टायर जलाकर रास्ता रोक दिया। पुलिस उपद्रवियों से निपट हो रही थी तभी दूसरी ओर कुछ लोगों ने बनभुलपुरा थाना में फूंक दिया। अफसरों ने वहां से निकलने से नेतृत्वहीन पुलिस व निगम की टीम वहां से किसी तरह बचाए हुए निकली। तो दोस्तों, यह कंटेंट आप सभी को पसंद आई होगी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और भी जुड़े रहिए नए नए अपडेट के साथ। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।